हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर किस पर बेस्ड रहता है आपका? क्रिटिकल वेलोसिटी पर। क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन मैंने आपको कल बताई थी, आज हम देखते हैं कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। तो रेनॉल्ड नंबर में क्रिटिकल वेलोसिटी जो है, सबसे पहली चीज़, क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी के। दैट मीन्स VC is proportional to eta. This is the equation number first. ठीक है, second कि जो आपकी critical velocity है वो directly proportional होगी किसके? Density of liquid. VC is proportional to rho. Equation number two. And third one कि critical velocity VC is inversely proportional to the diameter of tube. ये रेनॉल्ड नंबर हम किसके लिए निकालना है? जब आपका लिक्विड ट्यूब में से फ्लो हो रहा हो। किस में से? ट्यूब में से। ठीक है, तो वी सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। दैट मीन्स 1/D। इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से क्या मिल जाएगा हमको कि वी सी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा रो डी। जब प्रोपोर्शनल का साइन अलग करेंगे तो क्या आएगा बेटा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो वी सी इज इक्वल टू के ईटा रो डी। के क्या है बेटा? आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड नंबर। ठीक है ना, तो रेनॉल्ड नंबर के इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? वी सी इंटू डी अपॉन ईटा रो। ये आई रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू। ठीक है, VC क्रिटिकल वेलोसिटी, D डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी एंड रो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर, तो ये क्या होता है आपका? रेनॉल्ड नंबर। अब कुछ इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं आपके रेनॉल्ड नंबर के। क्या? के इफ द वैल्यू ऑफ K लाइज बिटवीन 0 to 2000, जब K की वैल्यू 0 to 2000 के बीच में है, तब जो फ्लो होगा वो फ्लो कौन सा फ्लो कहलाएगा आपका? लेमिनार फ्लो। कौन सा? लेमिनार फ्लो। और जब के की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में है, तब आपका जो फ्लो है वो लेमिनार फ्लो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? टर्बुलेंट फ्लो में। क्लियर, और इफ द वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन 3000, देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज डेफिनेटली टर्बुलेंट। ठीक है, जब 3000 से ऊपर पहुंच जाएगा तो तब जो फ्लो है वो कौन सा हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर बेटा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है आपसे? उसका स्टेटमेंट ये है कि जब आपका विस्कस फोर्स किसी ट्यूब में से फ्लो हो रहा है, जब आपका विस्कस फोर्स किसी ट्यूब में से फ्लो हो रहा है, तो उसके ट्यूब के एंट्रेंस पॉइंट पर, ठीक है, जो उसकी वेलोसिटी होगी वो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है आपका? कांस्टेंट। दैट मींस जहां से एंटर हो रहा है उसका एंटर एरिया कितना है? A1 मान लें हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी? V1। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? जो ट्यूब का लास्ट पॉइंट रहेगा जहां से आपका लिक्विड एग्जिट होगा, वहां के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उस टाइम की वेलोसिटी के प्रोडक्ट के क्या होता है आपका? इक्वल। दैट मींस A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो इसको हम क्या बोल लिख सकते हैं आपका कि AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर बेटा, तो अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पे के बाद अब हमको कुछ चीजें और देखनी है, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।